हेलो एंड वेलकम टू क्रिक क्रैक स्टोरी सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और लगातार हम आपको स्टोरीज बता रहे हैं, अलग अलग कहानियां बता रहे हैं और ऐसे किस्से बताने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें हमें लगता है कि शायद आप लोगों को ना पता हो, क्योंकि ये हमने बहुत मेहनत से ढूंढे हैं और ये पूरी तरह से ऑथेंटिक भी है। तो आज जब हम बात कर रहे हैं तो जिक्र करेंगे रोहित शर्मा का, क्योंकि रोहित शर्मा की जो जिंदगी की शुरुआत है और अब तक जहां भी वो पहुंच चुके हैं। अब तो खैर रोहित शर्मा वेल नोन फैक्ट है कि बड़े कमाल के बल्लेबाज हैं मॉडर्न डे एरा के। आप मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल में इस समय वो और विराट कोहली, इनसे आगे कोई बल्लेबाज दिखता नहीं है व्हाइट बॉल क्रिकेट में खास तौर पर। लेकिन शुरुआत कहां से होती है रोहित शर्मा की? अगर क्रिकेट से भी पहले उनके जन्म तक आप पहुंच जाएं तो 1987 में रोहित शर्मा का जन्म होता है। एक ऐसे परिवार में जन्म होता है जहां पर जो पिताजी थे वो एक फर्म के केयरटेकर थे। मतलब मैंने बहुत एक अच्छा शब्द चुना है उनके पिताजी के जो काम को आप लोगों को बताने के लिए, केयरटेकर थे। एक तो पैसा उतना नहीं था परिवार के पास कि दो बच्चों को पाल सके। जी हाँ, रोहित शर्मा के एक बड़े भाई भी हैं और रोहित शर्मा के भाई को लेकर पहले ही खर्चे काफ़ी थे परिवार में, और फिर रोहित शर्मा को भी पालना। तो 1.5 साल की उम्र में रोहित शर्मा को परिवार जब डोंबिवली आया तो रोहित शर्मा को परिवार से अलग कर दिया गया। अलग इसलिए कर दिया गया क्योंकि परिवार के पास पैसे नहीं थे उन्हें पालने के लिए और उन्हें पढ़ाने के लिए, उनका खर्चा उठाने के लिए सचमुच में इस परिवार के पास पैसा नहीं था। उनके पिताजी का नाम गुरुनाथ शर्मा है, माँ का नाम पूर्णिमा शर्मा है। और सबसे बड़ी बात इन सारी बातों को लेकर कि पिता केयरटेकर थे, माँ हाउसवाइफ थी, और इसलिए जब बेटे को अलग किया तो आमतौर पर जो रोहित शर्मा का पूरा बचपन है उनका, क्रिकेट जहाँ से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्रिकेट की जो बारीकियां समझनी शुरू की, और इसको आप लेकर आ जाइए 2007 तक जब उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था फर्स्ट एडिशन, वहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला उसमें अर्धशतक लगाया, जो एक ब्रेक थ्रू मोमेंट था, तब तक के बीच उनकी कहानी यही उनके दादाजी, उनके ग्रैंड पेरेंट्स और उनके चाचा के बीच घूमती है। पिताजी हमेशा से चाहते थे कि बेटा टेस्ट में बहुत कमाल का प्लेयर बने, जिसकी तरफ रोहित शर्मा अब अपने करियर के जब इस पड़ाव में है तो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन पिता हमेशा से चाहते थे कि बेटा वनडे में कुछ भी करो, T20 में कुछ भी करो, मुझे खुशी तभी मिलेगी जब तुम टेस्ट क्रिकेट में रन बनाओगे। और इसीलिए रोहित शर्मा जब टेस्ट क्रिकेट में रन बनाते हैं तो ऐसा लगता है एक सेटिस्फैक्शन है उनके अंदर। लेकिन उस वक्त पे जब परिवार के पास पैसा नहीं था और चाचा दादा इन सब के बीच पूरा जिंदगी घूम रही थी, एक शख्स उनकी जिंदगी में आते हैं जिनका नाम है दिनेश लाड, जो कि उनके कोच हैं। और आज भी रोहित शर्मा उनसे ऊपर किसी को नहीं समझते हैं जब भी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, और क्रिकेट को लेकर जिस रिस्पेक्ट को लेकर वो दिनेश लाड के बारे में बात करते हैं, उनके बारे में कहानियां बताते हैं, वो सबसे ज्यादा उम्दा रहती है। क्योंकि जब रोहित शर्मा सिर्फ स्कूल पढ़ने जाते थे तो वो एक ऐसा स्कूल था, क्योंकि बॉम्बे में आप याद कीजिए स्पोर्ट्स कल्चर बहुत था, क्रिकेट कल्चर बहुत था, और इस वजह से उन्हें दिनेश लाड कहते हैं कि आपको स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने के लिए आना होगा। अब उस समय पे स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि रोहित शर्मा जानते थे कि उनके बस का नहीं है, उनके परिवार का बस का नहीं, आर्थिक हालात इस तरह के नहीं है कि रोहित शर्मा को वहां पर पढ़ाया जा सके। लेकिन वही कोच दिनेश लाड, इसीलिए बार बार उनके नाम का जिक्र आता है जब भी आप रोहित शर्मा की कहानियों का जिक्र करेंगे, उनकी सफलताओं का जिक्र करेंगे, उनके संघर्षों का जिक्र करेंगे, तो दिनेश लाड का नाम आप नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि फिर ये कोच जो है उनके लिए 4 साल के स्कॉलरशिप की कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंतजाम करते हैं। ये भी पता था दिनेश लाड को कि ये तो मेरी फीस भी नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी जानते थे कि ये खिलाड़ी बहुत कमाल का है। और उस वक्त पे याद कीजिए रोहित शर्मा एक ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, वो एक ऑफ स्पिनर बनना चाहते थे, 8वें 9वें 10वें नंबर पर बल्लेबाजी करते थे रोहित शर्मा। लेकिन उस वक्त पे नेट में जितनी बल्लेबाजी की रोहित शर्मा ने, दिनेश लाड को लगा कि यार ये बल्लेबाज भी बेहतर बन सकता है, तो उन्होंने रोहित शर्मा को कहा कि आप बल्लेबाजी पर भी काम कीजिए। तो शुरुआत में वो रोहित शर्मा जो एक ऑफ स्पिनर बनकर अपने क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाना चाहते थे वो बल्लेबाजी पे काम करते हैं, और फिर ऐसे बल्लेबाज बनते हैं कि जब वो पहला इंटरस्टेट स्कूल मैच खेलते हैं तो शतक जमाते हैं, और उसके बाद वेस्ट जोन खेले हों, चाहे मुंबई के लिए खेले हों, उसके बाद इंडिया ए के लिए खेले हों, या फिर भारत के लिए आकर जब उन्होंने खेला हो, तो आज तक जब हम रोहित शर्मा के बारे में बात करते हैं तो एक बल्लेबाज के तौर पर जाने जाते हैं। हालांकि डेक्कन चार्जर्स के लिए उन्होंने एक हैट्रिक भी ली हुई है, अगर आप लोगों को याद हो। डेक्कन चार्जर्स वो टीम है जिसका अब नाम सनराइजर्स हैदराबाद हो गया, आप ये कह सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा एक शानदार ऑफ स्पिनर हुआ करते थे, लेकिन जो उनकी उंगली में चोट लगी, और उनकी उंगली में चोट इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने गेंदबाजी कराना छोड़ दिया।
लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन जब दिनेश लाड ने उन्हें कहा कि आप बल्लेबाजी भी बेहतर कर सकते हो, रोहित शर्मा को क्या कमाल का कॉन्फिडेंस दिया उस कहानी ने, कि वहां से लेकर और आज तक, जब हम शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट की अगर मैं बात करूं, या आप ऑल टाइम वनडे इंटरनेशनल्स के हिसाब से भी ओपनर्स की सूची अगर आप एक बनाना चाहें तो रोहित शर्मा का नाम उसमें जरूर होगा। 3 दोहरे शतक है उनके नाम, ऐसे करने वाले वो दुनिया के वाहिद बल्लेबाज हैं। तो एक ऐसे शख्स की कहानी है ये, जिसके शुरुआती जीवन में उसके माता पिता के पास उसको पालने तक के पैसे नहीं थे। आज की कहानी तो पूरी तरह से अलग है, आर्थिक तौर पर पूरी तरह से संपन्न है उनका परिवार और इतनी सारी डील्स है रोहित शर्मा के पास, इतने सारे ब्रांड्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो, और इसके अलावा जो आईपीएल की सबसे अमीर टीम है, अमीर मतलब पैसों के लिहाज से कहूँ तो, मुंबई इंडियंस उसके कप्तान हैं और इतने टाइटल्स जिता चुके हैं उन्हें अलग अलग तौर पर, चाहे आईपीएल की बात करूँ चाहे चैंपियंस लीग की बात करूँ, तो मुंबई इंडियंस कमाल कर रही है, रोहित शर्मा कमाल कर रहे हैं। और ये जो कहानी है ना, ये निश्चित तौर पर एक वक्त पे हमने जिक्र किया था कि रोहित शर्मा को उस वक्त पे ये नहीं पता था कि वो आखिर कहाँ पहुँचेंगे इस क्रिकेट को खेलने के जरिए, क्योंकि उनके पास भी कोई और विकल्प नहीं था। बहुत सारे ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी हैं मुंबई के सर्कल से जो निकल कर आए हैं, जिनके पास फिर क्रिकेट खेलने के अलावा दूसरी कोई वैकल्पिक सुविधा नहीं थी कि यार अगर क्रिकेट नहीं खेलूंगा तो इंजीनियर बन जाऊंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा या टीचर बन जाऊंगा, जो अदर क्रिकेटर्स में मे भी थी। अगर आप अनिल कुंबले को देखें तो उनके पास एक डिग्री है इंजीनियर की, राहुल द्रविड़ के पास एक इंजीनियर की डिग्री है, इसके अलावा तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास डिग्रीज थी, उनके पास एक ऑल्टरनेटिव करियर स्विच था, वीवीएस लक्ष्मण के पास भी डिग्री थी। तो रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके पास इसके अलावा कि वो क्रिकेटर बने, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, परिवार की हालत वैसे भी इतनी अच्छी नहीं थी। तो रोहित शर्मा की इस कहानी को मैं यही ख़त्म करता हूं, लेकिन आप लोगों से ज़रूर जानना चाहूंगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप लोगों के पास क्या इनपुट्स हैं, क्या आप लोगों को भी रोहित शर्मा के वो दिन याद हैं जब वो मुंबई के अलग अलग मैदानों पर बैग लेकर लोकल्स के सारे घूमते रहते थे, क्योंकि उनकी लोकल ट्रेनों के किस्से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उस पर कभी और कहानी सुनाऊंगा आपको, क्योंकि वो अपने आप में एक और कहानी है कि लोकल ट्रेन्स में रोहित शर्मा का सफ़र क्या रहता था। उन्हें मुंबई के अपने क्रिकेटिंग स्ट्रगलिंग डेज में सबसे ज़्यादा जो प्यार था जिस चीज़ से, वो था मुंबई की लोकल ट्रेन से, क्योंकि कहते थे वहीं मैं आराम कर पाता था, उसके अलावा मेरे पास आराम करने के लिए और कोई दूसरा टाइम नहीं हुआ करता था, क्योंकि इतना ज़्यादा क्रिकेट खेलना पड़ता था। क्योंकि याद होगा आपको कि रमाकांत आचरेकर के स्कूटर में बैठकर जब सचिन तेंदुलकर जाते थे प्रैक्टिस करने या अलग अलग मैचेस खेलने, तो कहते थे कि मैं वहीं उनके स्कूटर में बैठकर अपनी नींद पूरी कर लिया करता था। ठीक कुछ वैसी ही कहानी रोहित शर्मा की है। रोहित शर्मा मुंबई की लोकल्स में अपना ये जो नींद का सफर है ना, उसे पूरा करते थे। तो बहुत सारे किस्से हैं रोहित शर्मा से जुड़े, उनके स्ट्रगलिंग डेज को लेकर, ब्रेबोर्न स्टेडियम हो, चाहे रेंजर्स क्लब हो, चाहे सीसीआई हो, चाहे फिर आज का वानखेड़े स्टेडियम हो जो कि अब मॉडर्न हो चुका है, उस समय पे नहीं था वो मॉडर्न वानखेड़े स्टेडियम, इन तमाम मैदानों पर रोहित शर्मा के अलग अलग किस्से हैं, या फिर आज़ाद मैदान हो। आप लोग ज़रूर बताइए आप लोगों को कौन सा किस्सा सबसे ज़्यादा दिल के पास है आपके रोहित शर्मा से जुड़ा। मैं अपनी इस कहानी को यहीं ख़त्म करता हूं, लेकिन चाहूंगा कि आप शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बेल बजाएं और हमें बताएं अलग अलग किस्से रोहित शर्मा से जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।